रामनगर में स्थित ओक वर्ड स्कूल में हुए वार्षिकोत्सव के दौरान स्कूली बच्चों की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्कूली बच्चों की ओर से राजस्थानी और पंजाबी और कुमाऊनी नृत्य की प्रस्तुति ने मौजूद अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्कूली बच्चों ने हनुमान चालीसा के साथ ही हॉरर डांस ने सबका मन मोह लिया। दर्शकों ने बच्चों की शानदार प्रस्तुति देख उनके अभिवादन में खूब तालियां बजाई। स्कूल की डायरेक्टर शैलजा सारस्वत ने कहा कि आज हमारा स्कूल क्षेत्र में पढ़ाई के साथ ही अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत करने में एक अलग पायदान पर पहुंचा है और हमारे स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोहा है। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य सुखदा मिश्रा ने बताया कि आज बच्चों की ओर से दी गई प्रस्तुति से जहां एक और बच्चों की ओर से अपनी संस्कृति को बचाने का संदेश दिया गया है, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी प्रोत्साहन को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ एक और बच्चों की ओर से फिल्मी गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी गई, तो वहीं बच्चों की ओर से भगवान राम, भगवान कृष्ण और हनुमान जी के चरित्र को भी लेकर सुंदर प्रस्तुति मंच पर दी गई। उन्होंने कहा कि हमारा और अभिभावकों का यही प्रयास होना चाहिए कि वो अपने बच्चों में अपनी संस्कृति को बचाने के साथ ही भगवानों के प्रति भी संस्कार देना चाहिए। मैं कहना चाहूँगी, आज हम लोगों ने कोशिश की है कि बच्चों को इस स्टेज, बड़ी स्टेज पे लाएं, और मेरा मेन मोटिव होता है कि बच्चों को मॉडर्न सारी चीजें सिखाएं। वी हैव जर्मन लैंग्वेज इन आवर स्कूल, वी आर हैविंग कोडिंग, रोबोटिक्स, एवरीथिंग, बट नई चीजों के साथ, मॉडर्न चीजों के साथ मैं अपने बच्चों को सारी अपनी जो जड़ें हैं वो सिखाना चाहती हूँ। मेरा बच्चा जब निकले तो ग्रूप होके निकले, वो कृष्ण लीला कृष्ण के बारे में जानता हो, वो राम के बारे में जानता हो, वो हनुमान जी के बारे में जानता हो। आप लोग अभी देख सकते हैं हमारे बच्चों ने हनुमान चालीसा गाया, अभी वो कृष्ण लीला करने वाले हैं, अभी वो रामचंद्र जी पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। क्योंकि अगर हम हैं तो हम सिखा सकते हैं, अगर हमने नहीं सिखाया तो आगे वाली जनरेशन को ये पास ऑन कौन करेगा, यही बड़ा क्वेश्चन है। और शायद इसी के लिए हम कोशिश करते हैं कि हमारी ये जनरेशन है, जब मैं बड़ी और बुजुर्ग हूँ तो मेरे आगे एक इतनी अच्छी जनरेशन खड़ी हो जो बैक से लेके हमारी जड़ों से मजबूत होके हमारे सामने आए, तो मुझे खुशी होगी कि ईश्वर ने एक चांस दिया है, मैंने उसको पूरा किया और मैं अपने बच्चों को सिखा पा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। नचदी बिली बिच पाई लाल बंग बड़ी जचदी, ओए रोई